अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड फ्रेंड, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त ये मुगल, और आप देख रहे हैं तो ये मुगल चैनल। तो जैसा कि आज हम रिव्यू करने लगे हैं कावासाकी का या ZX6R, और ये जो बाइक है ये है किंग मोटर स्पोर्ट्स का। आपने पहले भी इसके रिव्यू देखे होंगे, मैंने शोरूम पे रिव्यू दिए हैं एक दो, और अभी इस टाइम जो है वो मैं इसको बाहर लेके आए हम लोग इसको, ताकि ये है कि इसको आपको हमने पहले भी बताया था कि हम सिंगल सिंगल का भी एक रिव्यू करेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त बाइक आया था इस टाइम इनके पास, तो हमने कहा क्यों ना इसको सेपरेट एक उसमें किया जाए रिव्यू, तो इसीलिए हम इसको बाहर लेके आए हैं। अभी शाम का वक्त हो गया, शायद आपको ब्राइटनेस की वजह से इतना बाइक क्लियर नज़र ना आए, क्योंकि ये है कि थोड़ा लेट हो गए थे, बट ये है कि अब आए हैं तो हमने कहा वीडियो बना दें। तो चलें अभी स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपको तैयब मुगल ने बताया कि आज किंग मोटर स्पोर्ट्स आपके लिए एक और बाइक का रिव्यू लेके आए हैं, तो आज हम जिस बाइक का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं वो है ZX6R कावासाकी निंजा KRT एडिशन। बाइक के पास चलते हैं और आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कावासाकी ZX6R KRT एडिशन है, तो इस बाइक में जो एड ऑन इंस्टॉल किए गए हैं उनके बारे में वन बाय वन आपको बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस टाइम आपके सामने ये स्टेयरिंग डैम्पर है, जो कि ZX6R में 2016 मॉडल में नहीं आता, जो इसके ऊपर इंस्टॉल किया गया हुआ है आफ्टर मार्केट, जिसको आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैक पर बाइक रेस करना है तो एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने स्ट्रीट बाइकिंग करनी है तो भी आप अपने मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब आपको इसके हम मीटर के बारे में बताते हैं। इसके मीटर्स में जो फंक्शंस दिए गए हैं, जिनमें पावर का ऑप्शन है, जिसमें कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल्स के ऑप्शंस हैं। तो कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल्स के ऑप्शंस में कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल 1, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल 2, कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल 3। इस ट्रैक्शन कंट्रोल को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और इस ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। मज़ीद इसमें जो पावर के मोड्स हैं, अभी L मोड आ रहा है, जो सा ये पावर का लो मोड है, और इसमें पावर का ये F स्टैंड्स फॉर फुल मोड। तो आप इंजन की पावर को भी इस मोड से कंट्रोल कर सकते हैं, और कावासाकी की ट्रैक्शन कंट्रोल को भी आप कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल के स्विच से आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर जो क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल किए गए हैं, लाइट टेक कंपनी के बहुत अच्छे क्रैश गार्ड्स हैं, जो कि इसके साइड प्रोटेक्शन के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी होते हैं। दोनों साइडों के ऊपर इसके क्रैश गार्ड्स इंस्टॉल किए हैं, और इसके अलावा इस बाइक के अंदर एक्रापोविक का एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है विद हेडर्स। तो एक्रापोविक का ये कार्बन फाइबर एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो कि USA का है, इस बाइक में इंस्टॉल किया गया है, जो कि एक बेहतरीन साउंड आपको देता है। मज़ीद आपको आगे इसके साउंड टेस्ट भी करवाएंगे हम। जी, इस बाइक की जो फ्यूलिंग कैपेसिटी के बारे में अगर हम बताते चलें आपको, तो इस बाइक के अंदर 17 लीटर फ्यूलिंग कैपेसिटी है। मज़ीद अगर हम इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, तो सीटिंग कैपेसिटी इज़ फॉर 2 पर्सन्स। फ्रेंड्स, इसमें व्हील स्पूल्स एडजस्ट किए गए हैं, जिसको यूज़ किया जा सकता है। आप अगर इसको साइड स्टैंड पे नहीं खड़ा करना चाहते, इसके लिए पैडॉक स्टैंड आप लगाना चाहते हैं पैडॉक स्टैंड के ऊपर, तो इसमें व्हील स्पूल्स भी कावासाकी के लगे हुए हैं। मज़ीद इसमें इसके रियर टायर की बात की जाए, तो इसमें जो टायर रियर टायर इंस्टॉल किया गया है वो ब्रिजस्टोन का टायर है, जो कि 180/55/17 है। तो जो फ्रंट टायर है वो 120/17/70 है, ये भी ब्रिजस्टोन का टायर है। दोनों ब्रिजस्टोन के टायर्स इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है।
टाइट्स के साथ अगर हम आपको इसकी फ्रंट डिस्क के बारे में बताते चलें तो इसमें कावासाकी ZX6R में नेजन कंपनी की ब्रेक्स इंस्टॉल किए गए हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप देती हैं ब्रेकिंग में। और इसके जो रोटर्स हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। अगर हम इसकी लाइट आपको बताते चलें, फ्रंट पे जो इसकी प्रोजेक्टर्स लाइट्स दी गई हैं जिसमें HIDs इंस्टॉल की गई हैं जो कि आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्टर्स लाइट्स हैं जो कि आपको एक क्लीन व्यू देती हैं। नाइट टाइम इनका जो विजन है बहुत बेहतरीन होता है। जी फ्रेंड्स, लास्ट में हम आपको इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद हम आपको इस बाइक की प्राइस के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा कि अभी सारा जो है अली भाई ने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है इस वीडियो में। असल में टाइम बहुत कम था क्योंकि शाम हो चुकी है, बिल्कुल अंधेरा हो चुका है इस टाइम, तो इसकी वजह से मज़ीद प्रॉपर इसको अभी डिटेल नहीं बता सके। ज़्यादा डिटेल भी इसकी काफ़ी ज़्यादा नहीं हम बता सके, कुछ चीज़ें अगर मिस हो गई हो इस बाइक में जाहिर सी बात है, क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि वीडियो जो है थी बनार तो रहे थे, लेकिन यह कि आपको बताया कि लेट हो गए थे जिसकी वजह से प्रॉपर कोई इसके अंदर जो है लाइटिंग का यहाँ पर भी थोड़ा इशू था, तो बस जो भी थोड़ा बहुत बता सके आपको बताया। अब लास्ट में इसकी जो प्राइस मैं बताता चलूँ, इसकी जो प्राइस है वो 28.8 लाख है, और इसके अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो या जो भी आपने विजिट करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिए हैं और सारी लोकेशन भी, एड्रेस भी इनका प्रॉपर मेंशन कर दिए। आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके इस बाइक की जो भी मज़ीद डिटेल लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं, और अगर फिजिकली विजिट करना चाहें वहाँ पर जाके तो किंग मोटर स्पोर्ट पर जाके विजिट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा।